खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का भारी विरोध। दिन भर ग्रामीणों ने तालाब में बैठकर किया प्रदर्शन। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर खदान बंद कराए जाने हेतु आवेदन। सरगुजा जिले में खदान को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा विरोध है। एक और पेड़ कटाई के विरोध को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, तो वहीं दूसरी ओर लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत परसोडी कला के निस्तार तालाब के मेड़ को लेकर खोदकर इन दिनों नया खदान अमेरा के विस्तार कार्य हेतु किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आज रात में SCCL कर्मचारियों के द्वारा JCB लगा करके निस्तारे तालाब के मेड़ को खोदने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर करीब पूरी रात भर ग्रामीणों ने रात जगा उस स्थल पर किया तथा विरोध किया। जब तक ग्राम पंचायत की सहमति ना हो जाए तब तक खदान ना खोला जाए। ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर खदान का विस्तार हेतु ग्राम पंचायत के निस्तार तालाब का खनन करना नियम के विरुद्ध है। वहीं तत्काल इन्हें बंद कराए जाने हेतु ग्रामीणों ने दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से उस स्थल पर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल खदान बंद कराए जाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यदि खदान बंद नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई के लिए सरकार हमसे तैयार रहे। इस तरह के मामले कुछ माह पहले भी सामने आए थे। इसके बाद तहसीलदार को ग्रामीणों ने तटबंध के लिए ज्ञापन दिया था, जिस पर आश्वासन मिला था बनाया जाएगा माइंस की ओर से, लेकिन आज तक तटबंध नहीं बनाया गया। उल्टा पर्सनल जमीन को जुताई रिपीट जिस पर आश्वासन मिला था बनवाया जाएगा माइंस की ओर से लेकिन आज तक तटबंध नहीं बनाया गया। उल्टा पर्सनल जमीन को खुदाई किया जा रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा। ग्रामीण काफी आक्रोश में नजर आए। जिस पर आश्वासन मिला था बनाया जाएगा माइंस की ओर से लेकिन आज तक तटबंध नहीं बनाया गया। उल्टा पर्सनल जमीन को खुदाई किया जा रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा। ग्रामीण काफी आक्रोश में नजर आए। ग्रामीणों का यह भी कहना था खदान क्षेत्र के एरिया में खदान की ओर से और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कई साल से हमारे क्षेत्र कोयला का बिजनेस किया जा रहा, रोड पानी सहित अन्य सुविधाओं की मांग की जा रही। क्या उनकी मांगों पर छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन क्या पहल करती है, देखने वाली बात रहेगी।